फटाफट गुरपुरब की किस तरह से बधाई आम जनता को आप देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की जो उनने कुर्बानियाँ दी हैं न सिर्फ सिख कौम के लिए, वतन के लिए, वो कोई भूल नहीं सकता। और जो उन्होंने मित्रता पैदा की, और आखिर में जाते वक्त ये कहा कि अब कोई गुरु नहीं आएगा, अब जो ये गुरु है ये गुरबानी है, यही सब कुछ है। और उनकी कुर्बानियाँ, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी जो धर्म वाला है किसी भी धर्म का भूल सकता। फार्मर का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूँ कि फार्मर के साथ गलत हुआ है, ये बिल बहुत जल्दी पास की गई है और इस बिल को विड्रॉ कर। बिरला का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने बधाई दी वो तो आपने सुन लिया, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि आज सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सज्जाद लोन का, कि आखिरकार सज्जाद लोन ने गुपकार का साथ क्यों छोड़ दिया। पर जैसे ही ये सवाल पूछते, इससे पहले ही देवेंद्र राणा ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि भाई सियासत पे कोई सवाल मत पूछिए, बाकी जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए भाई, कि अगर आप सियासतदान हैं तो सियासत पे सवाल पूछना तो हमारी जिम्मेदारी है और हम पूछेंगे भी। फिर इसमें सियासत पे जवाब क्यों नहीं दिया गया और क्यों नहीं? बट कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला एक बात को कहते हुए क्लियर नजर आ रहा है कि ये बिल जो किसानों के लिए लाए गए हैं, यानी कि तीन बिल जो किसानों के लिए लाए गए हैं, वो वापस होने ही होने चाहिए। खुद एक MP हैं और ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात आगे जरूर रखेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। पर आखिरकार जो होगा वो समय के गर्भ में ही होगा और आने वाला समय बता ही देगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।